हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रिया ट्रेवल गाइड्स में। पूर्णगिरी धाम जहां पूर्ण होती है भक्तों की सारी मान्यताएं, जरूर करें एक बार यहां की यात्रा। मां पूर्णगिरी देवी धाम एक देवी शक्तिपीठ होने के कारण सर्वोपरि महत्व रखता है। पूर्णगिरी धाम देवभूमि उत्तराखंड में स्थित अनेकों देवस्थलों में देवीय शक्ति और आस्था का अद्भुत केंद्र है। कुमाऊं का सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ पूर्णगिरी मंदिर भारत के सुदूर पूर्वोत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में भारत की सीमा रेखा शारदा नदी के पश्चिम किनारे शिवलोक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में है। टनकपुर नगर से 19 किलोमीटर दूर स्थित यह बेहद पुण्य क्षेत्र शक्तिपीठ माँ दुर्गा के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। तो आइए जानते हैं माँ पूर्णगिरी की कहानी। इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है माता पूर्णगिरी मंदिर। कहा जाता है कि यह माता काली का स्थान 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ पर भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती की नाभि का भाग गिरा था। इस शक्तिपीठ की अपनी अलग अनोखी कहानी है। अनुभवी जानकार कहते हैं कि यहाँ होने वाले चमत्कार जैसे लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। जब भगवान शिव शंकर तांडव करते हुए सती पार्वती के पिता महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड से सती के विकसित शरीर को लेकर आकाश गंगा मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके तांडव नृत्य को देखकर सृष्टि विनाश की आशंका सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में जा गिरे। प्रचलित कथा के अनुसार जहाँ जहाँ पर भी देवी के अंग गिरे वहीं तीर्थ स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। माता सती की नाभि अंग चंपावत जिले के अन्नपूर्णा पर्वत पर गिरने से मां पूर्णागिरी मंदिर की स्थापना हुई। पौराणिक आख्यानों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के निकट पांडवों द्वारा देवी भगवती की आराधना तथा ब्रह्मदेव मंडी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया था। विश्वास किया जाता है कि सन 1632 में कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद्र के दरबार में गुजरात से पहुंचे गिरीश चंद्र तिवारी नामक ब्राह्मण को इस देवी स्थल की महिमा स्वप्न में देखने का सौभाग्य मिला। उन्होंने पर्वत श्रृंग पर मूर्ति स्थापित कर इसे संस्थागत स्वरूप दिया और विधिवत पुण्यागिरी नाम रख कर देवी का पूजन आरम्भ किया, जो बाद में पूर्णागिरी नाम से विख्यात हुआ। भगवती दुर्गा की अनुपम छटा इस तीर्थ को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। इसे अपने विशिष्ट स्थिति के कारण ही श्रेष्ठ 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। इस शक्तिपीठ में पूजा के लिए वर्ष भर यात्री आते जाते हैं। चैत्र मास की नवरात्र में यहाँ माँ के दर्शन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। पूर्णगिरी मंदिर की मान्यता। चीर की गांठ लगाने का महत्व। पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में एक मान्यता है कि देवी उनके भक्तों के बीच एक अलिखित बंधन की साक्षी के रूप में जहां जिसे जो स्थान मिले वहां एक रंगीन चीर किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांध दे। मनोकामना पूर्ण होने पर पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन व आभार प्रकट करने और चीर की गांठ खोलने के लिए पुनः दर्शन करने आने की मान्यता है। मुंडन संस्कार। पूर्णागिरी मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर मुंडन कराने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है। आइए जानते हैं यहाँ कैसे जाएं। यह स्थान टनकपुर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर है। अंतिम 19 किलोमीटर का रास्ता बहुत सारे श्रद्धालु पैदल मार्ग से पूरी करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।